तो वैसे आज कुछ मैं 2.5 महीने बाद दोबारा शूट कर रहा हूँ, तो एयरपोर्ट जाने का टाइम हो गया। हेलो एंड गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। तो एक बार फोन लगा गाइस टाइम लैप्स बनाने के लिए, पर हालत इतनी खराब है कि देखो बहुत तेज हवा चल रही है यहाँ। With you, I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. तो वैसे आज कुछ मैं 2.5 महीने बाद दोबारा शूट कर रहा हूँ, थोड़ा ऑकवर्ड सा फील हो रहा है मुझे, बट कंफर्टेबल हो जाऊँगा क्योंकि अब कुछ 57 वीडियोस हम बना चुके हैं, तो इसलिए अब प्रॉब्लम है नहीं, वो नई नई वाली। एक्चुअल में ये बेयर्ड गिफ्ट है जॉब करने का। एक लोकेशन पर जॉब कर रहा था जहाँ पे काफी रिमोट लोकेशन था, थोड़ा मतलब विलेज टाइप था, तो उतने अच्छे सैलून्स नहीं थे इसलिए कराया नहीं। मुझे लगा पता नहीं पूरे फेस पे दाने वाने ना हो जाए कहीं भी करा लूंगा, तो चक्कर में सैलून गया नहीं। पेड़ के नीचे काटने वाला सैलून था वहाँ पे। तो आज फिलहाल अभी हम घर आए हुए हैं 2.5 महीने बाद, जॉब से थोड़ी छुट्टी ली है, 5-7 दिनों की ब्रेक लेके आया हूँ। नई जॉब थी, बताऊंगा सारी चीजें बाद में, धीरे धीरे ब्लॉग में अपने आप पता चल जाएगा। अभी फिलहाल आज मौसम बहुत सही हो रहा है देवघर का, तो आज सोच रहे हैं देवघर आने के साथ सबसे पहले एयरपोर्ट चले, क्योंकि मैंने इस बीच में बहुत कुछ मिस कर दिया है। इसमें 12 तारीख को मोदी जी आए हुए थे यहाँ पे देवघर, वो मिस कर दिया जॉब के चक्कर में। एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन हो गया, पिछले 4 सालों से वेट किया कि एयरपोर्ट खुलेगी तो बैंगलोर जाऊंगा यहाँ से, पर एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन हो गया, मैं यहाँ था ही नहीं उस टाइम पे। अभी दिल्ली और कोलकाता की फ्लाइट दे दी गई है। आज जैसा शेड्यूल मैंने गूगल पे देखा, आज शाम में यहाँ पे कोलकाता की फ्लाइट आने वाली है इंडिगो की, तो आज शाम में चलेंगे एयरपोर्ट घूमने के लिए। अभी फिलहाल मैं जा रहा हूँ नीचे, कुछ स्नैक्स करते हैं फिर स्टार्ट करते हैं पूरे दिन को। बाय बाय। वैसे तो गाइस अभी सीरीज चल रही थी मैसूर वाली, जो कि मैं कुछ 2 महीने पहले घूमने गया हूँ। फिलहाल मैसूर का एडिट कर रहा हूँ मैं बैठे बैठे, बट आज मैसूर का नहीं डाल पाऊंगा, आज एयरपोर्ट चले जाऊंगा, क्योंकि मैं घर आया हूँ, फिर कब जाऊंगा घर से और कब डालूंगा पता नहीं। बहुत मेस हो गया है मेरा इस जॉब के चक्कर में। वहाँ पे मैं ऐसी लोकेशन पे था ना कि ना नेट था मेरे पास, मैं अपने मोबाइल डेटा से कितना ही कुछ कर लेता, 6-7 GB की एक एक वीडियो डालना बहुत इम्पॉसिबल टास्क है वहाँ पे, एडिट भी नहीं कर पाता। तो 7-to-5 वाली जॉब थी, बहुत परेशानी थी वहाँ पे। फिलहाल अभी घर आया हूँ तो अब एडिट करके एक एक करके डाले जा रहा हूँ, इसलिए अभी बैक टू बैक हर 2-3 दिन पे एक ब्लॉग आ रहा है मैसूर का। तो मैसूर पैलेस था अगला, पर मैसूर पैलेस की जगह एयरपोर्ट डालूंगा। मैसूर पैलेस मैसूर सीरीज को फिर से कंटिन्यू करूंगा 1-2 दिन बाद। 4 o'clock शायद आती है दिल्ली वाली फ्लाइट, तो उसी टाइम चलेंगे जब फ्लाइट आए, तो मजा डबल हो जाएगा। सो गाइस एयरपोर्ट जाने का टाइम हो गया, 4 बजने को आ गया है, 4:15 पे उतरेगी प्लेन, तो मेरे घर से बस 15 मिनट का डिस्टेंस है, अब चलते हैं। हम अंकित अंशु 3-4 लोग जाएंगे ताकि प्लेन आराम से उतर सके। तो गाइस एक्चुअल मैं ज़्यादा बोल नहीं सकता हूँ क्योंकि अभी इस वाले फ़ोन पे और इस पर मैंने माइक कनेक्ट नहीं किया है। दरअसल पापा हेलमेट लेके गए थे रिसेंट में, तो उन्होंने ये पूरा मेरा माउंट हटा दिया था, जितना चेन माउंट वगैरह मैंने लगाया हुआ था, उनको ये थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा था, इसलिए अभी दोबारा मैंने चेन माउंट सेट कर लिया है। बट ईयरफोन और जो माइक थे अंदर, वो पापा ने निकाल दिया, तो मैं इस जगह म्यूट करके और फिर बीच बीच में इन्फो कुछ डाल दिया करूँगा। अभी आप एट अ मोमेंट नहीं सुन सकते वो बाइक राइड करते वक्त मेरी आवाज़। वैसे गाइस ये एयरपोर्ट मेरे घर से कोई ज़्यादा दूर है नहीं, बस 12 किलोमीटर की डिस्टेंस है और मैं एयरपोर्ट पहुंच जाऊंगा। पर अभी मेरे काम का कुछ है नहीं क्योंकि फ्लाइट यहाँ से ऐसा कुछ है नहीं जो मैं यूज़ कर सकता हूँ, तो अब बस पहुंच ही चुका है। यहाँ से बस 2-2.5 किलोमीटर है क्योंकि घूम के जाना पड़ रहा है। राइट साइड में एयरपोर्ट की बाउंड्री वॉल तो आपको दिख रही होगी, और थोड़ा घूम के जाना पड़ेगा आगे से मेन एंट्रेंस के लिए। वैसे यहाँ की जो रनवे है ये 2.5 किलोमीटर की है, और DRDO के साथ मिलकर बनाया इस प्रोजेक्ट को। 2013 का ये प्रोजेक्ट है, फाइनली 9 साल बाद 2022 में ये प्रोजेक्ट कम्प्लीट हो गया, एटलीस्ट कम्प्लीट हो गया। मुझे तो लग ही नहीं जाता, कब से ये न्यूज आ रहा था कि 6 महीने में हो रहा है, अगस्त से फ्लाइट उड़ेंगी, फ्लाइट्स आ रही है, स्पाइस जेट आ रही है, इंडिगो आ रही है, कभी नवंबर कभी अक्टूबर, बस ऐसा ही चल रहा था पिछले 2-3 साल से। वैसे इसका नाम तो देवघर इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखा गया है, पहले शायद अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे रख रहे थे, फिर शायद चेंज कर दिया गया किसी कारण से पता नहीं, पर ये एकमात्र इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो जाएगा हमारे झारखंड में, अगर अभी इसे इंटरनेशनल की स्टेटस दी गई है या नहीं ये तो नहीं पता, पर टैग तो है इस पे देवघर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का, या बैद्यनाथ धाम एयरपोर्ट भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे तो
फॉरेनर टूरिस्ट भी आते हैं मंदिर के लिए तो वो लोग आएंगे, या आश्रम जाते हैं रिखिया आश्रम वो लोग आएंगे, तो यहाँ से फॉरेन एब्रॉड फ्लाइट्स तो जाएंगी आएंगी, पता नहीं देखते हैं कब तक ऐसा हो पाएगा। वैसे यहाँ पे अभी रनवेज पे लाइट्स नहीं लगी हुई हैं जो इंडिकेटिंग लाइट्स होती हैं और बाकी सारी चीज़ें जो होती हैं, तो रात में फ्लाइट्स अभी तो यहाँ से उड़ नहीं सकती हैं या यहाँ पे लैंड नहीं कर सकती क्योंकि रनवे लाइट्स नहीं हैं और जो भी इंडिकेटर्स होते हैं उनके वो सब नहीं है। तो फिलहाल सिर्फ दो फ्लाइट्स हैं जो दिन में उड़ती है। तो आगे थोड़ा रुकने का सोच रहा हूँ यहाँ पे क्योंकि प्लेन शायद इसी साइड से लैंड करती है और उसका व्यू कुछ अलग ही होगा लैंड करना और टेक ऑफ करना। तो गाइस हम यहाँ पे रुके थे, हमें लगा कोलकाता की फ्लाइट उस साइड से आएगी, सामने एयरपोर्ट है यहाँ पे लैंड होगा, तो उसके टायर्स हम खुलते देखते कि टायर बॉक्सेस है, पर अनफॉर्चुनेटली पता नहीं कौन सी साइड से आएगी प्लेन, ये हमें पता नहीं है इसलिए कन्फ्यूज है थोड़ा। चलते सीधा एयरपोर्ट, यहाँ पे रुक के कोई फायदा नहीं है क्योंकि 4:15 हो गया, प्लेन तो ऑलरेडी लैंड कर रही होगी, क्या अपोजिट साइड से ना लैंड कर रही है। You will never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw. फिलहाल हम बस पहुंच गए हैं एयरपोर्ट के बहुत करीब, अब यहाँ से मुश्किल से मुझे लगता है कुछ 5 मिनट का डिस्टेंस बचा हुआ है, तो भगाते हैं थोड़ी गाड़ी को तेज और निकलते हैं सीधा उस जगह पे जहाँ पे हमें पहुंचना है, जहाँ के लिए हम इतने सालों से वेट कर रहे थे। With you, I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like... तो गाइस आप इस प्रीमियर लोकेशन पे आ सकते हो देखने के लिए प्लेन इस साइड से लैंड करेगी कोलकाता वाली। ये जो बिल्डिंग आपको दिख रही है येलो कलर की, ये हमारा स्कूल है डीए, उस साइड से लैंड करेगी प्लेन। ये घंटे खड़े रहने के बाद छोटा सा प्लेन दिख रहा है, हम एयरपोर्ट के इतने नज़दीक हैं। हाँ क्रिस को बोला चक्कर नहीं खुला है। फिलहाल गाइस एंट्री मिल रही है क्योंकि अभी इस एरिया में न्यू एयरपोर्ट बना है तो लोग घूम सकते हैं आके, बट फिर कुछ टाइम बाद CRPF यहाँ से एंट्री बंद कर देंगे। तक अलाउड है तब तक आपको पार्किंग चार्जेस 20 रुपीज़ लगेंगे इधर आने के, यहाँ पे अपनी बाइक्स लगा सकते हो। फिलहाल तो अभी सोलर रूफ दिया गया, इसमें चार्जिंग स्लॉट्स दी जाएंगी कार वार के लिए, इसलिए सोलर कार पॉइंट है इसका नाम, और ये एक्चुअल देवघर एयरपोर्ट। आज हवा काफ़ी तेज़ चल रही है तो मेरे वॉइस में बहुत ज़्यादा नॉइज़ होगी माइक लगाने के बाद भी, उसके लिए सॉरी गाइस। तो गाइस हम काफ़ी टाइम से आना चाह रहे थे एयरपोर्ट ब्लॉग शूट करने के लिए क्योंकि हमारे शहर में कुछ बन रहा है तो अफकोर्स ये बात है कि बहुत ज़्यादा क्यूरियस है, बट जब तक मैं बैंगलोर में पढ़ाई कर रहा था उतने टाइम तक तो कुछ ऐसा रहा नहीं, ये कम्प्लीट भी नहीं हुआ। जब मेरी पढ़ाई कम्प्लीट हो गई बैंगलोर से तो फिर यहाँ पे एयरपोर्ट बन गया। फिलहाल तो दिल्ली और कोलकाता दो जगह से आती है प्लेन्स यहाँ पे, देखते हैं कब तक बैंगलोर का होता है, कभी ना कभी तो कॉलेज में कोई काम लगे या सर्टिफिकेट्स मैंने नहीं लिया अभी तक, अगर तब तक बैंगलोर का आता है तो डेफिनेटली बैंगलोर यहीं से जाऊँगा, एक बार अपनी होम टाउन से बैंगलोर के लिए प्लेन पकड़ूंगा। सबसे बेस्ट व्यू है इस एयरपोर्ट पे, अगर पूरा क्लीन स्काई होता है तो आपको यहाँ से डायरेक्ट त्रिकुटी दिख सकता है, त्रिकुटी मेरे वीडियो के बाद तो त्रिकुटी हर किसी को याद होगा। गाइस बस पे पॉइंट है, यहाँ से आपको सिटी के लिए बसेस मिल जाएंगी, वहाँ पे शायद कैब पॉइंट्स है, VIP टैक्सी आपको वहाँ से टैक्सी मिल जाएगी, अभी तो सिटी में सिर्फ उगना कैब आई हुई है, बाकी प्राइवेट कैब वाले आते हैं यहाँ पे, आप बुकिंग कर सकते हो। यहाँ की एंट्री पॉइंट है, सबसे ज़्यादा अगर ब्यूटीफुल कुछ है देवघर एयरपोर्ट में तो प्राइवेट व्हीकल्स वालों के लिए वहाँ से भी एंट्री है, आप वहाँ से सीधा यहाँ पे आ सकते हो फ्रंट पे अराइवल और डिपार्चर पॉइंट पे। जिस चीज़ के लिए सिटी फेमस है वो कांवड़ यात्रा, अभी चल भी रहा है श्रावण में, कल ही लास्ट सोमवार थी श्रावण की, अब खत्म हो चुकी है, रक्षाबंधन तक थोड़ी बहुत भीड़ होगी, यहाँ पे इंडिगो की काउंटर है पर आपको टर्मिनल में बहुत सारे ऑफिसर्स मिल जाएंगे, अभी विंडो सिर्फ इंडिगो को मिली हुई है यहाँ पे क्योंकि दो प्लेन है दोनों इंडिगो की। इस साइड पे एविएशन फ्यूल वगैरह जाता है, उनका गेट वहाँ पे है, यहाँ पे सिक्योरिटी गेट है गेट नंबर 2, उस साइड पे VIP गेट है, यहाँ पे हमारे नॉर्मल लोगों के लिए गेट्स हैं, बाकी ये पूरा एयरपोर्ट एरिया। तो वो है डिपार्चर और यहाँ पे अराइवल, और एक चीज़ हमने अभी पूछा यहाँ पे पुलिस वालों से, अभी फ़िलहाल ये एयरपोर्ट बिल्कुल न्यू है और यहाँ के लोगों के लिए बिल्कुल नया है क्योंकि इस रीज़न में एयरपोर्ट कहीं भी नहीं है, तो ये जो एयरलाइंस के ऑफिस है मैं आपको दिखा देता हूँ। ऐसे ही वो पॉइंट है जहाँ पे आप अपना एक आधार ID कुछ भी जिस पर आप फोटो आइडेंटिटी कार्ड लेके और 30 रुपीज़ देके टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर जा सकते हो, बहुत ज़्यादा अंदर नहीं बिल्कुल, पर टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर जाके आप देख सकते हो, और ये है VIP एंट्री जहाँ से मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर ये सारे लोग अंदर जाएंगे। मुझे नहीं पता इसको कैसे प्रोनंशिएट करते हैं और इसका मतलब भी नहीं पता, अगर किसी को पता तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताना। वहाँ पे देखो वो स्टाफ्स बिल्डिंग आपको दिख रही होगी इस साइड पे जहाँ पे ख़त्म होता है, जहाँ मैंने आपको दिखाया था एविएशन वाला सेकेंड वाली पीछे वाली बिल्डिंग,
वहाँ पे ATC का है एयर ट्रैफिक कंट्रोल, तो वहाँ से कनेक्शन हो और यहाँ पे साथ उसके बीच हम पूरा इंटरकनेक्ट कर देंगे इससे वहाँ तक, ताकि कुछ भी बाहर ना हो, बाहर से मूव ना करना पड़े स्टाफ्स को, वो इंडोर मूव कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल जब तक लोगों को घूमने दिया जा रहा है तब बेस्ट पॉइंट है फोटोशूट और सारी चीज़ों के लिए, वीडियो शूट के लिए, पर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने मना करके रखा है वीडियो शूट करना, तो कुछ दिनों में जल्दी बंद कर दिया जाएगा। जब तक यहाँ के लोग देखना चाहते हैं इसलिए बहुत वेट किया उन्होंने, इसलिए उनको दिखाया जा रहा है एयरपोर्ट। हम बहुत दिन पहले आते थे बार बार कि शूट करना है, पर एंट्री अलाउड नहीं थी उस टाइम पे, इसलिए लोगों ने अभी अलाउड कर दिया एंट्री। तो गाइस अब चलने का टाइम आ गया, अब निकलते हैं यहाँ से घर के लिए, क्योंकि घूम लिया पूरा एयरपोर्ट देख लिया, अब कभी यहाँ से जर्नी करनी होगी तो करेंगे। फिलहाल यहाँ से कोलकाता की टिकट्स 2000 के आसपास आ रही है, और दिल्ली की मैंने चेक नहीं की, दिल्ली के फ्लाइट्स कब कब है मुझे नहीं पता, शायद कुछ कनेक्टिंग फ्लाइट्स हैं उसकी कोलकाता के साथ, और कोलकाता वाली तो डायरेक्ट यहाँ पे आती है 4:15 में आती है यहाँ पे, और यहाँ से 4:45 पे निकलती है, हाफ आवर की ले ओवर है यहाँ पे। So, as airport से तो कब का घर आ गए थे, बट अब दोबारा बाहर निकल रहे हैं क्योंकि आज से श्रावण खत्म हो गई यहाँ पे, तो नॉनवेज खाए हुए बहुत टाइम हो गया था। जहाँ मैं जॉब करता था ना उस लोकेशन में भी मुझे नॉनवेज नहीं मिल रही थी, और मैं नॉनवेज का बहुत शौकीन हूँ, तो इसलिए अब चल रहे हैं यहाँ से सीधा, देखते हैं कहीं आज रेडीमेड शॉप पे बना बनाया नॉनवेज ले लेंगे जहाँ पे अच्छा मिलता हो, फिर मैं यहाँ से वापस निकल जाऊंगा। तो अभी एक दो दिन के लिए हूँ, जब तक हूँ तब तक एटलीस्ट ब्लॉगिंग कर लूँ घर पे आके, शौक पूरा करूँ अपना।